प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। प्रेमचंद के फटे जूते लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने प्रेमचंद के फटे हुए जूते और उनकी साधारण वेशभूषा के माध्यम से उनकी सादगीपूर्ण उच्च विचारों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रेमचंद की सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। अवसरवादिता का यहाँ तात्पर्य है कि किस प्रकार से आज के लोग अवसर का फायदा उठाते हैं। तो हम बात करते हैं पाठ के सार की। लेखक द्वारा प्रेमचंद के चित्र का वर्णन किया गया है इस पाठ में। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद के सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है और उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ है। उनके गालों की हड्डियाँ उभरी हुई हैं। घनी मूछों के कारण चेहरा भरा भरा सा लग रहा है। पाँव में कैनवास के जूते हैं और उनके फीते भी ढंग से बंधे हुए नहीं हैं। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, पर बाएं पैर के जूते में बड़ा सा छेद हो गया है जिसके कारण पाँव की उंगली बाहर आ गई है। इसी फटे जूते को देखकर लेखक की नज़र उस पर ही अटक गई है। प्रेमचंद की सादगी का अनुमान उनकी इस पोशाक को देखकर लगाया जा सकता है। लेखक प्रेमचंद के जूते देखकर चिंता में डूब जाता है कि अगर फोटो खिंचवाने के लिए यह पोशाक है तो वास्तविक जीवन में कैसी पोशाक होगी। फिर उन्हें विचार आया कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाकें रखने वाला मनुष्य नहीं है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, लेकिन उस फटे जूते के कारण उन्हें जरा भी लज्जा महसूस नहीं हो रही है, जैसे यह कोई साधारण सी बात हो। जब फोटोग्राफर ने प्रेमचंद से रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जबरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे होंगे। फोटोग्राफर के बीच में ही क्लिक कह करके थैंक यू कह दिया होगा। वह भी सोचता होगा कि यह कैसा आदमी है जो फटे जूते पहनकर ही फ़ोटो खिंचवाने आ गया। प्रेमचंद को अपना परामर्श देते हुए लेखक कहता है कि यदि फ़ोटो खिंचवाना इतना ही ज़रूरी था तो ढंग के जूते तो पहन लेते या फिर फ़ोटो ही ना खिंचवाते। वे शायद पत्नी के आग्रह को ना टाल सके होंगे, इसलिए फ़ोटो खिंचवाने आ गए होंगे। शायद तुम फ़ोटो खिंचवाने का महत्व नहीं समझते हो, वरना फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते किसी के भी मांग लेते। लोग तो मांगे हुए कोट से वर दिखाई तक कर देते हैं। वर दिखाई का यहाँ तात्पर्य है कि जब लड़का दिखाते हैं वो शादी के लिए, और मांगे हुए मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो लोग बीवी तक मांग लेते हैं। कई लोग तो इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि इससे फ़ोटो में भी शायद खुशबू आ जाए। लेखक कहता है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, पर उस ज़माने में भी जूते कम से कम 5 रुपए के रहे होते होंगे। उस टाइम के रुपयों की बात चल रही है कि कितने कम रेट में जूते आ जाते थे। लेखक ने जब प्रेमचंद का फटा जूता देखा तो उसे उन पर तरस भी आया। लेखक ने कहा कि वैसे मेरा जूता भी कोई अच्छी दशा में नहीं है, भले ही यह ऊपर से अच्छा दिखाई देता हो। इसका अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, पर उंगली ढकी है। मैं पर्दे छिपाव का महत्व जानता हूँ, पर शायद तुम नहीं जानते हो। तुम तो फटा जूता पहनकर भी शान से जी लेते हो, पर मैं फटा जूता नहीं पहन सकता हूँ। लेखक प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं की मुख्य पात्रों का नाम लेते हुए प्रश्न करता है कि तुम्हारा जूता कैसे फटा। शायद तुम जूता बनिए की दुकान के चक्कर लगाते लगाते घिसा लाए होगे, लेकिन चक्कर लगाने से जूता घिस तो जाता है पर फटता नहीं है। कवि कुंभन दास जी का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था और वे हरिनाम अलग से भूल गए। शायद तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे होगे जिससे तुमने अपना जूता फाड़ लिया होगा, या फिर तुमने रास्ते के किसी टीले पर अपना जूता आजमाया होगा, पर तुम उससे भी बचकर भी निकल सकते थे। यह तो समझौते की बात थी, लेकिन तुम तो समझौता कभी करते ही नहीं। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था।
लेखक कहता है कि तुम्हारे पांव की उंगली ये संकेत करने सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से संकेत करते हो। मैं तुम्हारी उंगली का भी इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान का भी। लगता है कि तुम हम सभी पर हंस रहे हो क्योंकि हम उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। प्रेमचंद जैसे कह रहे हों कि मैंने तो ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया और उंगली बाहर निकाल आई, पर पांव तो बचा लिया और मैं चलता भी रहा, मगर तुम लोगों ने अपनी उंगली को ढकने के लिए